हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो आज सैटरडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, और हस्बैंड ने भी आज छुट्टी ले रखी है। और छुट्टी इसलिए ले रखी है ना क्योंकि हम सभी बीमार हैं, हम चारों की तबीयत ख़राब है। हस्बैंड को 2 दिन से फीवर आ रहे हैं और मुझे और दोनों बच्चों को ना आई में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसकी वजह से ना हम लोग आज काफ़ी लेट उठे हैं सो के, और इसलिए फिर मैंने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। तो बस हमारा जो भी है ना, बाहर से ब्रेकफास्ट आया है, हस्बैंड लेकर आए हैं, आलू की सब्ज़ी है और ये कचौड़ियाँ हैं। तो बस वही ब्रेकफास्ट हम अभी कर रहे हैं। जलेबी भी चाहिए? बाप रे, रस गुलाब वाला जलेबी अभी तक याद है क्या? मैंने आपको जलेबी पसंद है? है उस पैकेट में। अरे पापा, जलेबी है शॉर्ट पैकेट है उसमें। अपना फेस दिखा, सब चाइनीज बन गया। कैंडू, क्या है तुम्हारे पास? दिखाओ। हाँ, गिर जाएगा। तो कैंडू, तुमको सुबह सुबह लड्डू खाना है। देखे कैंडू का आइस, देखे थोड़ा सा भी ठीक और होगा। चलो ठीक है, जाओ बैठ के खा लो। मम्मी ठीक हो गया है। कहाँ जा रहा है बेटा, बेड पे नहीं खाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो आज संडे है, संडे मॉर्निंग है, अभी बस सुबह का टाइम है, बच्चे सो रहे और मैं कर रही थी घर की साफ सफाई। तो कैंडू आज जल्दी उठ गया है एज यूजुअल। जिस दिन स्कूल नहीं रहता उस दिन वो जल्दी उठ जाता है, और स्कूल वाले दिन उसको उठाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से उठता है। तो वैसे उठते ही उसको रोने लगा लड्डू के लिए, क्योंकि आजकल उसे लड्डू कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है और हरदम लड्डू मांगता रहता है। दिन में 2 से 3 लड्डू तो खा ही लेता है। तो उठते ही बस उसने लड्डू की जिद की, तो फिर मैंने उसे एक लड्डू दिया है, वो बैठ के खा रहा है। और मैं साफ़ सफाई कर रही थी, अभी मेरा साफ़ सफाई कम्प्लीट भी नहीं हुआ, तो बस वही कर रही हूँ। और मेरे जो आईज में इन्फेक्शन हुआ था वो आप देख सकते हैं, मेरी आँखों को इसमें अभी है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में भी रेड है आइस। तो कल परसों तक तो हालत बहुत ख़राब थी, दोनों ही आँख मेरे सूजे हुए थे, लेकिन आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। इस आँख में तो अभी भी है, मेडिसिन चल रहा है मेरे, भी ड्रॉप्स मैंने लिए थे अभी सुबह में भी, तो इस आँख में भी थोड़ा बहुत है, ये आँख फिर भी ठीक लग रहा है। तो आई थिंक और एक से दो दिन लगेंगे पूरी तरह से ठीक होने में, लेकिन ठीक है, फिर भी पहले से काफ़ी बेटर है अभी। तो ये आई इन्फेक्शन हर्षित को हो गया था सबसे पहले, तो वो स्कूल से आया था तभी उसकी आँखें रेड लग रही थी, तो उसको हुआ सबसे पहले। उसके नेक्स्ट डे ही मुझे और कैंडू दोनों को ही हो गया था, और मुझे सबसे ज़्यादा हो गया है, बच्चों को ज़्यादा नहीं था। कैंडू को तो बहुत माइनर सा ही हुआ था, तो थैंक गॉड जो उसको बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो छोटा है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आई ड्रॉप देने में, बहुत रोता है वो। बड़ी मुश्किल से मैं और ये उसके पापा पकड़ के बड़ी मुश्किल उसको आई ड्रॉप दे पा रहे हैं। तो फिर अभी तो वो काफ़ी बेटर है, थोड़ा बहुत है उसको, तो एक दिन और आई थिंक टाइम लगेगा, कल तक वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा। और मुझे ही सबसे ज़्यादा हो गया था, तो ठीक है, 2 दिन तो काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन आज काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा बहुत रेड है आइस, लेकिन ठीक है, काम एटलीस्ट मैं कर पा रही हूँ, वरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस चलिए, मैं कर रही थी सुबह की साफ़ सफ़ाई और नहा के पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ साफ़ सफ़ाई करते करते मैंने ये घर के सारे ये पर्दे भी खोल दिए, और ये किचन के पास जो पर्दे हैं ना, ये काफ़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इन्हें काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे धोना पड़ता है। तो पर्दे काफ़ी गंदे लग रहे थे, तो मैंने इन सबको भी निकाल के रख दिए हैं, मतलब धोने के लिए डाल दूँगी अभी मैं, और उसके बाद करूँगी घर की साफ़ सफ़ाई। और पीछे आप देख सकते हैं हर्षित भी उठ चुका है। तो कैंडू अगर उठ गया है तो वो तो हर्षित को सोने देगा नहीं, तो उसे भी उसने उठा दिया है, और अब दोनों भाई खेल रहे हैं। तो बस मैं ये जल्दी से सफ़ाई कर लूँ, फिर इन दोनों को फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी बना के देना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सुबह के बाद अब मैं डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ आपसे, और अब मैं हूँ किचन में जा रही डिनर की तैयारी करने के लिए। और सारा दिन मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दोपहर में, थोड़ा सा फीवर जैसा फील हो रहा था मुझे, तो मेडिसिन लेके मैंने थोड़ा सा आराम किया, सोई थी दोपहर में, और उसके बाद बस अब बेटर लग रहा है। थोड़ा सा चाय भी पिया मैंने अभी, तो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आँख तो अभी ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ साइड में रेड है, और बाकी ये आँख एकदम अच्छे से ठीक हो चुका है, और ये भी बस थोड़ा सा, आई थिंक कल तक अच्छे से ठीक हो जाएगा।
और बस आज संडे का दिन है और संडे को मोस्ट ऑफ मेरे घर में नॉनवेज ही बनता है, लेकिन क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं तो सावन में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तभी मैं बनाने वाली हूँ पनीर। और सारा दिन सिंपल सिंपल ही खाए हैं तो थोड़ा सा कुछ सभी अच्छा खाने का मन हो रहा है, और संडे के दिन ऐसे भी बच्चों को थोड़ा सा चाहिए होता है जो कुछ स्पेशल बनाई मम्मी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए फिर मैंने कुछ सिम नहीं किया, सब दिन में बनाया मतलब सिंपल सा दाल चावल ही बना लिया था। और बस अब जा रही हूँ पनीर बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर, जिसके लिए 400 ग्राम पनीर लिया है मैंने, जिन्हें मैं क्यूब शेप में काट लूँगी, और काटने के बाद इन्हें मैं नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर देके इन्हें मैरिनेट करके 10 मिनट के करीब रख दूँगी। और इसमें आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की वजह से मैं नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि उन्हें तीखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अगर तीखा लग गया तो फिर वो खाएंगे नहीं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी, और इन्हें ना हल्का हल्का ऐसे टोस्ट करके ही मैं इन्हें सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पनीर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो टूटने का डर रहता है, तो इसलिए एकदम हल्के हाथों से ही करूँगी। और यहाँ पे सारे पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, तो अब बस इन्हें 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और जब तक ये 10 मिनट के लिए मैंने इसे रखा है, तब तक चलिए हम आटा लगा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ नान, तो जी हाँ आज मैं नान बनाने वाली हूँ, बटर नान, वो भी आटा से। तो अगर आप मैदा वाला नान नहीं खाना चाहते हैं, कुछ हेल्दी ऑप्शन खोज रहे हैं, तो आप ये वाला नान ट्राई कर सकते हैं, ये भी खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच चीनी और एक चुटकी भर बेकिंग सोडा दिया है, और साथ ही 4 से 5 चम्मच दही दिया है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप पानी का ज़रूरत हो तो आप थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दही में ऐसे ही पानी रहता है, फिर भी अगर आपको लगे जो थोड़ा पानी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना के हम रेडी कर लेंगे, और फिर इस डो को हम 20 से 25 मिनट के करीब ढक के रख देंगे, तो इससे ना ये काफ़ी सॉफ्ट बनता है। और एक बार आप इस तरह से नान बना के देखिएगा, अगर आप हेल्दी ऑप्शन में नान खाना चाहते हैं, मैदा खाना आपको पसंद नहीं है, तो इस तरह से भी काफ़ी अच्छा बनता है और काफ़ी सॉफ्ट रहती है ये रोटियाँ, या फिर कहें आटे की नान, जो भी आप कह लें। और बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, पनीर 10 मिनट हो चुके थे मैरिनेट हुए, तब यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर में ना इस पनीर को मैं अच्छे से कोट कर दूँगी चारों तरफ से एक एक करके ऐसे, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये भी एक हेल्दी ऑप्शन ही है, क्योंकि ऐसे चिली पनीर में पनीर फ्राई करके यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सेलो फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने इस तरह से ड्राई कॉर्नफ्लावर को इसमें कोट किया है। अगर आप फ्राई करके बनाना चाहें तो कॉर्नफ्लावर का पतला सा घोल रेडी कर लीजिए, और उसमें डिप कर करके इन सभी पनीर को डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल दिया है और इसमें सारे पनीर डाल रख दिए हैं, और अब इसको ना हम इस फॉक की हेल्प से धीरे धीरे 1 by 1 पलट लेंगे, और सभी को अच्छे से उलट पलट करते करते चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और इनको सेकने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। यहाँ पे देखिए सारे पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और इसी तरह मैं बाकी के पनीर भी फ्राई कर लूँगी। और अब कढ़ाई में लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, तो यहाँ ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैंने डाल दिए हैं बारीक कटे हुए गार्लिक, साथ ही 2 ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे ऑनियन, जिन्हें मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, और इसकी सारी कलियाँ मैंने अलग कर दी थी। और जब तक ऑनियन फ्राई हो रहे हैं, हम चिली पनीर में ऐड करने के लिए जो भी हमारे सॉसेस यूज़ होंगे वो सारे मैं यहाँ एक बाउल में निकाल के मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, एक टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, और साथ ही 4 से 5 टेबल स्पून के करीब केचप ऐड किया है। तो यहाँ पे सॉस आप अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है जो इतना ही ऐड करना है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और साथ ही देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे ही बैठ के दोनों, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, और आज थोड़ा तबीयत भी सबकी ठीक है घर में, 2-3 दिन से सब काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो अभी अच्छे से खेल रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ मेरे ऑनियन फ्राई हो चुके हैं, तब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कैप्सिकम। और इन सब सब्जियों को ना हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना होता है, ताकि ये सब्जियों में से पानी ना रिलीज़ हो जाए, और ये इसमें जो क्रंच बना रहता है वो क्रंच बना रहे, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कैप्सिकम फ्राई हो चुके हैं, तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए सॉस, और इनको भी बस 1 से 2 मिनट हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ 2 मिनट के करीब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि सारी सब्जियों के साथ ये सॉस अच्छे से कोट हो जाए।
और देखिए ये सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तब इसमें ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दूंगी मैं, और पानी ऐड करके इसे हम ढक के कवर कर देंगे, एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, देखिए। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को घोल के एक पतला सा घोल रेडी कर लिया है, और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे क्या है, हमारी जो ये सब्ज़ी की ग्रेवी है ये थिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी मसाले नहीं ऐड किए हैं, साली सॉसेज ऐड है। तो सब्ज़ी के जो ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है, तो नमक काफ़ी ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि हमने पनीर मैरिनेट करते समय भी नमक यूज़ किया था। और साथ ही सोया सॉस भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब केचप और ऐड किया, क्योंकि मैंने टेस्ट किया तो मुझे केचप का टेस्ट थोड़ा कम लग रहा था। और बस सब ऐड करने के बाद अब इसमें लास्ट में हम यहाँ पे फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट हम इसे पकाएंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही हरा कटा हुआ धनिया, और फिर इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इन्हें ढक के छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले पनीर सब में अच्छे से फ्लेवर एक समान हो जाए। तो ये हमारी चिली पनीर बिल्कुल रेडी है बनके, और देखिए देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, यम्मी लग रही है। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बनके रेडी है, और अब चलिए चलते हैं हमारा हेल्दी नान बनाने के लिए। और इसे बिल्कुल हम रोटी की तरह ही बेलेंगे, और बेलने के बाद इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, और इसको भी बेल लेंगे ताकि ये धनिया अच्छे से चिपक जाए रोटी में। और बिल्कुल रोटी की तरह इसे मैं सेक लूँगी, और ये काफ़ी अच्छा बनता है, मतलब एकदम सॉफ्ट फ्लफी सा बनता है, खाने में भी काफ़ी यम्मी सा लगता है, और ये चिली पनीर के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ देखिए ये रोटी की तरह ही इसे मैं पहले बना लूँगी, एकदम अच्छे से ये फूल जाती है, और फिर ऊपर से ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर, क्योंकि नान जो है वो बटर के साथ ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए हमारा बिल्कुल हेल्दी वाला बटर नान रेडी है, और ये बनके रेडी है हमारा आज का डिनर। और ये काफ़ी टेस्टी बना था, जिसे अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देखकर खाने का मन हो रहा है। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलूँगी कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मेरे साथ साथ कैंडू ने भी आप लोग को बाय कह दिया, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल मेरे पास ही बैठा हुआ है, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो भी मेरे साथ साथ बाय कह रहा है आप लोगों को।